जय हिंद दोस्तों, ये आप देख रहे हैं जो ये दूध में मलाई है। अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ, इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि अब मैं इसको शाम को खाऊंगा, और क्योंकि कैल्शियम की कमी नहीं होती है इसको, ये खाने से हड्डी मजबूत होती हैं और रनिंग करने वालों को इसको ज़रूर खाना चाहिए। इसको मैं निकाल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी खा सकते हैं, मैं तो इसको चीनी में डालकर खाऊंगा, इसमें चीनी डालूंगा फिर इसको खाऊंगा। मलाई निकालने के बाद भाई ये इसमें डाली इतनी चीनी, चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से घोटा। ये देखिए भाई, ये करने के बाद, अब इसको घोटने के बाद भाई ये देखो, खाया तो मज़ा आ गया, मज़ा भी आएगा ताकत भी मिलेगी। ये डेली खाओ शाम को तो आपका स्टैमिना भी बढ़ेगा, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, हड्डी मजबूत होंगी, रनिंग करने में बिल्कुल पैरों में दर्द नहीं होगा। ये आप डेली शाम को कीजिए भाई। खाने के बाद भाई ये देखिए, ये है बादाम, बादाम मैंने पीस कर रख लिए हैं, ये एक चम्मच डालूंगा इसमें। अब इसमें ये डालने के बाद दूध, ये देख रहे हैं आप, मिल्क, इंग्लिश में मिल्क, हिंदी में दूध, इसको इसमें कर दूंगा मैं। एक ही बार में इसमें सब मैंने कर दिया है, 1 लीटर के लपेट में ये, या उससे थोड़ा कम हो गया है ये। कर लिया भाई ये मिल्क मैंने, ठीक है मिल्क तो कर लिया मैंने, अब इसको पीऊंगा मैं। ये देखिए गरम भी है ये, मज़ा भी आ रहा है, बादाम पड़ हुआ है भाई, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ये पी लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी, बहुत लोगों ने मुझसे कहा था भाई डाइट फाइट के बारे में बताओ क्या खाते हो तुम शामों को, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सब लोगों की रिक्वायरमेंट पर। क्वालिटी ख़राब हो रही है क्योंकि रात में बना रहा हूँ भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्वालिटी से आप मतलब मत जाइए, उसके अंदर की स्पेशलिटी पर जाइए, ठीक है। दूध पीने के बाद ये च्यवनप्राश है, एक चम्मच, अभी ठंडों का टाइम चल रहा है इसलिए आप खाइए, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करेगा, ना ठंड लगेगी, ना खांसी होगी, ना जुकाम होगा, कुछ नहीं होगा। सुबह रनिंग करते हुए बहुत बेहतरीन मज़ा आएगा, ठीक है। एक चम्मच, ये देखो एक चम्मच मैंने निकाल लिया है और इसको मैं खाऊँगा, ठीक है। वीडियो की भाई क्वालिटी ख़राब हो गई है यार, क्योंकि रात में बना रहा हूँ, ठीक है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, जो बता रहा हूँ वो आप फॉलो कीजिए, रनिंग मस्त हो जाएगी, बोलो पैरों में तो दर्द होगा नहीं, ये इतना आप करने के बाद। जय हिंद।